नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं लहक डिजिटल। अभी जो है बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि अश्विनी चौबे जो है नीतीश कुमार को खत लिखे हैं। मामला है कि जगत प्रकाश नड्डा मीन्स जेपी नड्डा जो है बिहार पहुंचे हुए हैं और भागलपुर को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है मिला है, इसके शिलान्यास के लिए पहुँचे हैं। लेकिन वहीं पर क्या है कि उनका जो पहले से पोस्टर लगा हुआ था, अश्विनी चौबे का जो पोस्टर लगा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पोस्टर लगा हुआ था, उसको हटा करके उन्होंने अपना पोस्टर को लगवा दिया। इसके बाद से जो है राजनीति गर्म हो गई है और इसी को लेकर के अश्विनी चौबे जो है खत भी लिखे हैं और वो उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं, इनसे जुड़ेंगे और इन सारे मुद्दों पे आखिर क्या राजनीतिक मुद्दा है, क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद गौरव। सर, अभी जिस तरीके से जो है अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कटा, इसके बाद से ये बोल रहे हैं कि बहुत हम आहत हैं, नीतीश कुमार को अब दूसरी बार खत लिखे हैं कि मेरा जो है कर्म भूमि, सबसे ज़्यादा कर्म हम जो है भागलपुर में किए हैं और वहाँ पे जिस हॉस्पिटल को लाने में हमारी भागीदारी सबसे ज़्यादा रही उसके लिए हमको जो है निमंत्रण भी नहीं दिया गया और मेरा जो पोस्टर लगा हुआ था वहाँ से हटा दिया गया है, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये पूरा प्रकरण जो है इसमें कहीं ना कहीं पूरी जातीय राजनीति हावी है। जातीय राजनीति इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि जैसे कि अगली पीढ़ी के ब्राह्मण नेता को आगे किया जा रहा है जी, जैसे मंगल पांडे अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, ब्राह्मण हैं, और अश्विनी चौबे भी ब्राह्मण थे जी, और अभी अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटा बक्सर से, उसमें भी उनके शिष्यवत रहे मिथिलेश तिवारी को वहाँ से टिकट दिया गया जी। तो अगली पीढ़ी को आगे करने में इनकी उपेक्षा की गई। उसमें और भीतर खाने बात है कि ये अपने से जूनियर इनके ऊपर के कुछ मंत्री हैं जी, कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे गृह मंत्री से इनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं रहने के कारण नीचे के जो नेता हैं, जैसे प्रदेश के जो नेता हैं, गृह मंत्री को खुश करने के चक्कर में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि लगे कि कहीं ना कहीं इनकी उपेक्षा हो रही है जी। तो इसका खामियाजा जैसे चुनाव के क्रम में भी मोदी जी के अलावे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावे इन्होंने किसी के कार्यक्रम में सहभागी नहीं बने, किसी भी चुनावी सभा जी मोदी जी का जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता था वहाँ जाते थे, यहाँ तक कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। इनकी पीड़ा जायज़ थी, इनका टिकट कट गया पार्टी को, हालांकि उसका नुकसान भी हुआ, वो सीट लूज कर गए। और चौबे जी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, फिर पदधारक भी रहे, मंत्री रहे, कई बार रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, भागलपुर उनका गृह क्षेत्र रहा है, इस वजह से उनको तो बुलाया जाना चाहिए था जी। लेकिन इसके अंदर खाने यही बात है कि ऊपर के मंत्रियों को खुश करने के लिए जी स्थानीय स्तर के, मतलब प्रदेश स्तर के जो भी नेता हैं वो इनकी उपेक्षा कर रहे हैं जी, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पार्टी को सींचने में आज पार्टी अगर खड़ी है तो उसमें कई लोगों का योगदान रहा है, ये जेपी आंदोलन के नेता रहे चौबे जी, तो चौबे जी को बुलाया जाना चाहिए था। बुलाने से उसमें क्या पार्टी का घट जाता, या कब इन्होंने, जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बैनर होर्डिंग लगाते हैं स्वागत में कि तो इन्होंने खत उनके पार्टी का अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बैनर होर्डिंग लगाए, और ये अभी अभी मैंने पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे हैं जी, और इसके पहले भी मंत्री थे। अभी जब चुनाव लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े तब भले, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके पात्र थे, इनको बुलाया जाना चाहिए था जी। लेकिन ये मुख्य रूप से बुलाना ना बुलाना ये नहीं है कि वो जानबूझ के ये की गई घटना है, कि कहीं ना कहीं से उनको लगे कि हमारी उपेक्षा हुई है, लोगों को लगे कि इनको साइडलाइन कर दिया गया है,
ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर से इनकी ट्यूनिंग गड़बड़ हो गई है। ये तो ठीक है, ये छोटी बात है, इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, पटना में भी उद्घाटन हुआ, वहाँ हुआ, गया हुआ, लेकिन उसके भीतर राजनीति है। दूसरा क्या है कि जातीय समीकरण भी सामने है कि एक ब्राह्मण नेता दूसरे ब्राह्मण नेता को नहीं स्वीकार कर रहा है। जैसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मतलब दूरी बना रही है कि हम नेता रहें ब्राह्मण के। जैसे मंगल पांडे अभी चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मण के नेता रहें, हम स्वास्थ्य मंत्री हैं। वहाँ मिथिलेश तिवारी को चुनाव लड़ाया गया तो उन्होंने भी चौबे जी से दूरी बना के रखी। चौबे जी वहाँ चुनाव प्रचार में भी नहीं गए और कई जगह चुनाव प्रचार में नहीं गए। तो इन कारणों से ये सब घटना हो रही है जो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि मैंने ये सब अगले विधानसभा चुनाव में भीतर घात की आशंका है जी। तो इससे क्या कुछ हानि होने की संभावना जताई जा सकती है? बिल्कुल हानि होने की आशंका है। तो जैसे कि अब आप जैसे बोले कि नए पीढ़ी के जो नेता हैं तो वो लोग तो आगे आ रहे हैं, तो क्या वो लोग अपने समुदाय को जो है एकजुट कर पाएंगे? सबकी अपनी स्वीकार्यता है, जैसे अश्विनी चौबे जी की अपनी स्वीकार्यता है। अगर ठीक है, अगर नई पीढ़ी के नेता आए हैं, अगर पहले वाले भी उसमें जुड़ जाते तो स्वाभाविक है कि उनके साथ जो जुड़ा वोट है वो भी उस पार्टी को मिल जाता जी। तो उनकी उपेक्षा की बजाय अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए, उनको अगर उनके प्रति आग्रही रहती पार्टी, उनको बुला लेती, तो इसमें पार्टी का नुकसान न होके फ़ायदा ही होता जी। तो भी आप सुन रहे थे कि अश्विनी चौबे को नहीं बुला करके जो है पार्टी को जहां तक नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर बुला लेती तो हो सकता था कि कुछ और फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट को लाने में काफ़ी मेहनत किया और उन्होंने काफ़ी भागीदारी निभाई। इसके बावजूद जब उन्हें नहीं बुलाया गया तब वो आहत होकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार को वो पत्र लिखे हैं और उस पत्र में उन्होंने ये बताया है कि मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, और पीड़ा में होने की बात भी है कि अगर जिस पेड़ को हम लगाते हैं और उसका फल हमें नहीं दिया जाए तो इसका पीड़ा ज़रूर होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।